हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। मौसम बहुत ही शानदार हो रहा है, पिछले 3 दिन से धूप नहीं निकली है। टेम्परेचर हो रहा है 14, यानी सुहाना टेम्परेचर है, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 10, रात में थोड़ा लो हो जाता है, ठंड हो जाती है। पिछले 3 दिन से बारिश हो रही थी, अब जाके थोड़ा सा खुल रहा है आसमान, मुझे लग रहा है थोड़ा सा बादल हटे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो बढ़िया चीज है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा ये वीक, मेरा और अंशु का, बहुत ही ज्यादा एकदम बढ़िया जाने वाला है, एंटरटेनिंग, क्योंकि हम कर रहे हैं ये वीक एक गेम्स के नाम से पूरा डेडिकेट। तो पूरे वीक हम खेलने वाले गेम्स। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो अंशु अभी फिलहाल नीचे है, ब्रेकफास्ट कर रही है, मैं तो छत पर आ गया था थोड़ा देखने के लिए मौसम खुला निकला। तो बिना देरी शुरू किए करते हैं इस डे की जर्नी। आज गेम्स खेलेंगे बहुत सारे, पूरे दिन गेम्स ही गेम्स होने वाले हैं। तो हमारा व्लॉग में गेम्स बीच में आएंगे और पूरे दिन की अपनी जो जर्नी है वो भी चलती रहेगी। तो शुरू करते हैं अपनी डे की जर्नी, चलिए मेरे साथ। अंशु और हमेरा यहाँ पर है, अंशु मेरा अंशु की दोस्त आ चुकी है शादी अभी इसको। अंशु तैयार हो रही हो क्या? बढ़िया। टाइगर यहीं पर छत पर मेरे साथ में ही है। मॉर्निंग बोलो टाइगर, गुड मॉर्निंग। गजब बेइज्जती है। और यहाँ पर शुरू हो चुकी है हमारे पहले गेम की प्रिपरेशन। दोनों बच्चे मिलके कर रहे हैं प्रिपरेशन, लेकिन अभी पता नहीं करना क्या है इनको। अभी पता नहीं है ना तुम लोगों को? अभी बताऊंगा मैं, करते रहो। तो फाइनली हमारे इस राउंड, यानी पहले राउंड की जो गेम शुरू होने वाला है उसकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। बच्चों को फिलहाल जल्दी से समझा देते हैं ये गेम है क्या। तो बच्चों देखो, इस गेम में करना क्या है, ये 2 बकेट दिखाई दे रही है, यहाँ से ये जो रो दिखाई दे रही है यहाँ से क्रॉल करते हुए जाना है वहां पर एंड तक दोनों को, और वहां से जो मार्बल दिखाई दे रहा है ये वाला, ये मार्बल उठा के लाना है और इस बकेट के अंदर दोबारा हमको डाल देना है। ठीक है, समझ में आ गया है? बढ़िया, कर लोगे। 1 मिनट का टाइम है, 3 राउंड होंगे, हर जो राउंड होगा 1 मिनट का होगा। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। तो बच्चों राउंड स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। स्टार्ट। कमान 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 कमान, मन उठा लें। चलो 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 चलो, फाइनली राउंड हो चुका है पूरा, अभी देख लेते हैं कौन किसका कितना हुआ। तो अंशु की बकेट में नजर आ रहे हैं खाली 4 मार्बल्स और होमेरा की बकेट में नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट राउंड जीती है होमेरा। ये शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हाई फाइव हाई फाइव हाई फाइव। यस, राउंड नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। तो दूसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हालत देखो इस वाले रो की, रो पता ही नहीं चल रही कि रो है कहाँ पर। एकदम बिल्कुल बेकार कर दी। सबसे बढ़िया ये वाली रो है। तो अभी देखते हैं कौन जीता। अंशु की बकेट में है 1 2 3 4 5 6 और होमेरा की बकेट में है 2 और 3 5 और 6 और ये राउंड हो गया भैया टाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोनों में से कोई नहीं जीता, कोई बात नहीं, नेक्स्ट राउंड में देखते हैं कौन जीतेगा। नेक्स्ट राउंड में बताओ। मैं। तो शाबाश बेटा, हम दोनों में दोनों। ठीक है, तो देखते हैं किसमें है कितना दम। तो राउंड 3 हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई इनका तीसरा राउंड ही पूरा हो चुका है पूरे तरीके से, एकदम इनकी ना ब्रेथ ऊपर चढ़ चुकी है, थक गए ना लोग। बहुत टफ राउंड था, बढ़िया रहा, देखते हैं रिजल्ट क्या। तो अंशु की बकेट में है 5 और होमेरा की बकेट में 5 और दोनों की बकेट में फिर से 5 5। ये भी राउंड हो गया टाई, लेकिन ये गेम जीता कौन? ये गेम जीती है होमेरा पूरा, क्योंकि फर्स्ट राउंड में इसके पास 6 आए थे और अंशु के पास 5 आए थे, तो होमेरा जीती है। ये फर्स्ट राउंड हाई फाइव है, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, बहुत बढ़िया, अंशु ने भी काफी अच्छे एफर्ट लगाए, लेकिन एफर्ट ऐसे लगा कि पूरी रो तोड़ देती है ये। तो हमारा पहला गेम हो चुका है गाइस, पूरा बहुत ही ज्यादा मजा आया बच्चों को। अब हम जाएंगे दूसरे गेम की तरफ, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है, लेकिन अभी थोड़े थक गए, इनको थोड़ा सा रेस्ट लेने देते हैं, उसके बाद फिर शुरू करेंगे एक बार फिर से धमाल। रो तो उखाड़ के फेंकी दी उसने एकदम बिल्कुल।
तो गाइस हम लोग तैयार हो चुके हैं अपने दूसरे राउंड के लिए, और दूसरा राउंड बहुत ही ज्यादा एंड राउंड दूसरा गेम के लिए तैयार हो चुके हैं सॉरी। तो हमारा दूसरा गेम यहाँ से ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है बच्चों ने दोनों ने, इनको करना क्या, ये फ्लिप गेम है यानी ग्लास को फ्लिप करना है, जो मैक्सिमम फ्लिप करेगा वही जीतेगा। बच्चों समझ में आ गया तुम्हारा गेम? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, बढ़िया तरीके से एकदम। तो ये है तैयार, हम भी तैयार है, देखते हैं क्या करें। मुझे लगता नहीं है कि दोनों कर पाएंगे क्योंकि ये गेम थोड़ा टफ है। चलो देखते हैं, राउंड शुरू होने जा रहा है। तो शुरू होता है अब, स्टार्ट। अरे जल्दी जल्दी, बढ़िया 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 तरीके से, किसी का भी नहीं हुआ मैं देख रहा हूँ। चलो चलो चलो, अपना लगाओ लगाओ, दोबारा लगाओ चारों। पूरा एक मिनट का टाइम है तुम लोगों के पास में, तीन राउंड होंगे इसके। जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, अभी नहीं हुआ किसी का भी नहीं हुआ। अरे अंजू का एक हो गया, एक हो गया अंजू का, और दो तो फाइनली राउंड हो चुका हमारा पूरा, और अंशु क्लियर कट जीत गई है हुमैरा से। कोई बात नहीं हुमैरा, पिछला तो तुम ही जीती थी, गजब बेइज्जती है। और अंशु के लिए ग्रैंड सल्यूट, तीन पॉइंट के साथ जीती है पहला राउंड। तो हम दूसरा राउंड करते हैं हुमैरा, तुम्हें जीतना ही है, ठीक है? तो राउंड टू शुरू हो रहा है, लेकिन अभी से दोनों में बहस शुरू हो गई है, मैं जीतूंगी, देखते हैं कौन जीतेगा। तो राउंड अपना पूरा हो चुका है तबाही तरीके से, भैया हुमैरा ने चारों अपने जो ग्लास है वो फ्लिप करके ऊपर कर दिए हुमैरा, और अंशु के सिर्फ दो हुए थे, तीन नहीं हुए थे उनका, बेईमानी नहीं करते, मैंने देखा था सिर्फ दो हुए थे। तो क्लियर कट तरीके से जीती हुमैरा, हुमैरा ने चैलेंज किया था कि ये राउंड मैं ही जीतूंगी, तो हुमैरा ही जीती है। तो हुमैरा के लिए बनता है सल्यूट टराट। और राउंड थ्री शुरू हो रहा है हमारा, और चैलेंज क्या है, कौन जीतेगा जल्दी बताओ, तुम या तुम, दोनों जीतेंगे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बहुत ही धाकड़ दोनों में रेस हो रही है इस राउंड को जीतने की, दोनों बराबर हो चुके हैं, एक एक राउंड दोनों के हाथ लग चुका है, देखते हैं कौन जीतता है, क्यों भाई, देखते पता चलता है। शुरू कर, जीत गई बहुत ही तबाह तोड़ तरीके से, अंशु ने 5 फ्लिप कर डाले, 5 क्या करे तूने, 4 करे थे, हाँ तो एक हटाओ ना इसमें से, 4 थी ये, नहीं नहीं एक एक नहीं हुआ था तुम्हारा ये वाला, हाँ एक नहीं हुआ था। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हुमैरा के सिर्फ 2 पाए हुमैरा, कोई बात नहीं बेटा, ये वाला राउंड तुम हार गई हो, और अंशु जीत गई ग्रैंड सैल्यूट। तो अंशु जीत गई ये वाला राउंड। तो ये वाला गेम अंशु के नाम होता है, पिछले वाला हुमैरा के नाम हुआ था, और ये वाला गेम कौन जीता, अंशु। शाबाश बेटा। तो लड़के में चल रहा है एकदम कड़ा मुकाबला कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीता, दोनों का एक एक गेम बिल्कुल बराबर हो चुका है, और बढ़िया तरीके से मजा आ रहा है, लोगों को क्यों मजा रहा है यार, बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन खेलना यार ये तो मुझसे भी बढ़िया कर ले रहे हैं, फ्लिप मैं करना चाहूंगा तो मुझसे तो हो भी नहीं पाएगा, बच्चे बहुत ही ज्यादा तेज है। तो बच्चों ये हमारे 2 गेम हो चुके हैं पूरे, अब हम खेलेंगे थोड़ी देर बाद जो बाकी के जो और गेम होंगे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद खेलेंगे, थोड़ा बहुत तुम अभी रेस्ट लो, रेस्ट करने के बाद फिर शुरू करेंगे हम एकदम धमाल वाले अगले गेम, ठीक है, बढ़िया। तो अभी फिलहाल जा रही हूँ मेरा ट्यूशन पढ़ने, और ये मार्बल्स ना सारे उधर की तरफ रख दो, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है गेम दोबारा। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर, कुछ एक फ्रेंड से मिलना है, थोड़ा बहुत कुछ काम है, जल्दी लौट कर मैं वापस आऊंगा। आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट आपको अगर मजा ले रहा है तो प्लीज मेरे साथ ही रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, बच्चे अभी होने गए हैं थोड़ा और प्रिपेयर, थक गए थे काफी, मैंने उनको थका दिया है, तो मैं जाता हूँ फिर लौट के बहुत जल्दी वापस आता हूँ। यहाँ बन रहा है खाना तैयार हो गया नहीं हुआ अभी, अच्छा अभी खाना तैयार हो रहा है, और ये टाइगर यहाँ पर भी आ गया मेरे साथ नीचे, टाइगर फिर से हाय बोलो। अच्छा मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, मम्मी का रूम अभी बंद है घर पे, मुझे लग रहा है और कोई बाकी है भी नहीं, ड्राइंग रूम में भी कोई नहीं है, तो शायद अपने रूम में मैं काम कर रहा हूँ। टाइगर आ दूंगा अभी खाने को दूंगा तुम्हें। तो मैं लौट कर आ गया हूँ वापस, और मैं अंशु और टाइगर जा रहे हैं हम लोग छत पर, बहुत ही चमकदार धूप निकली है गाइस, और छत पे अगर ना हो क्योंकि बहुत 3 दिन से धूप ही नहीं गई, तो बॉडी को धूप की बहुत जरूरत थी, ठंड भी हो रही थी, है ना अंशु, कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, चमकदार धूप निकली एकदम बिल्कुल, आ जाओ इधर आ जाओ, टाइगर को भी लिया,
हमारी पूरी छत ना काली काली सी हो रही है अंशु पानी की वजह से। ये अभी थोड़ी सील है सूखेगी और तुम अपने हाथ गीले कर लिए, बस ये करती हो। ठंड तुम्हें ठंड नहीं लगती? नहीं। टाइगर टाइगर नशे में है ये, नींद के नशे में पूरा दिए देखो कैसे जवाई ले रहा। तो अभी हम थोड़ी देर यहीं पर रहने वाले क्योंकि बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरी तो यार नाक भी बंद हो रही है, दो दिन से नाक भी नहीं खुली, नजला सा हो गया था। मजा आ रहा है अभी देखो यहाँ इनका ना ये गेम चलता है, छत पे आते हैं तो टाइगर छुप जाता है, इसके पीछे पीछे भागती है। तो थोड़ी देर यहीं मजा करते हैं। अंशु ये टाइगर दो खतरों का खिलाड़ी बनना है, नीचे से कूद जा। कौन देखो ऊपर चढ़ने लगा, खतरों का खिलाड़ी बनना है। सुपरमैन टाइगर ऊपर आ जाओ, ज्यादा खतरों का खिलाड़ी मत बनो। अंशु नीचे फेंक दूं उसे। मैं और अंशु आ चुके हैं रूम के अंदर वापस, छत पे से नीचे आ गए क्योंकि थोड़ा सा वहां पे धूप कम हो गई थी और हम वेट कर रहे हैं अभी किसका, हुमैरा का। हुमैरा आना बाकी है, हम लोग अभी यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने नेक्स्ट राउंड गेम्स की जो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। क्यों अंशु मजा आएगा, आप लोगों को भी एंड तक रहिएगा हमारे साथ में, बहुत ज्यादा मजा आएगा। पहले हम जल्दी से उसके आने से पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, देन इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो गाइस अभी हुमैरा आ गई है, अंशु की उसके साथ नीचे ही है, नीचे गए। मीनवाइल मैंने क्या कर रहा है, थोड़ा छोटा कुछ इनके लिए खाने पीने का गिफ्ट लेके आ गया हूँ क्योंकि बच्चे गेम खेल रहे हैं आज सुबह से मेरे साथ में। तो कुछ खाना पीना यानी इनको गिफ्ट तो बनती है, जब ये जीतेंगे तब मैं इनको सरप्राइज दूंगा जो कि इन्हें पता नहीं है, ठीक है? जल्दी से इसको मैं पैक कर देता हूँ क्योंकि पैक करो गिफ्ट अच्छा लगता है। फाइनली दोनों ये आ चुके हैं ऊपर और साथिया भी अभी हमारे साथ आ गई है, ये पता नहीं कहाँ गई थी, किसी प्रोग्राम में गई थी। तो चलो जल्दी से अपना फिनिश कर ले, हम अपने बच्चे को गेम या नहीं कर ले। हो गया काम चले? हाँ, चलो ठीक है, लेट्स हैव सम फन। मुझसे पहले पहुंच गए ये लोग अंदर। तो फाइनली बच्चे अपनी जगह आकर खड़े हो गए दोनों। अंशू रेडियो, ये गेम का सेटअप हमने ऑलरेडी तैयार कर दिया, यहाँ पे रखी एक बॉल, कुछ ग्लासेस और ये हमने एक थोड़ा सा ऊपर करके ग्लास लगाया, एक नीचे लगाया है, सुनते रहना, एक ये स्ट्रॉ है। इसके अंदर हमें क्या करना है, इस बॉल को यहाँ रखनी है और इस वाले स्ट्रॉ से हमको इसको ब्लो करना है, यानी एयर से, यानी मुंह से आप इसको ब्लो करोगे और सारी बॉल इसके अंदर डालनी है। जब ये भर जाएगा उसके बाद हमें ये वाले जो ग्लास हैं इनको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है? समझ गए हो गेम को? नहीं समझे हो? प्रैक्टिस नहीं करनी है अभी, कोई प्रैक्टिस नहीं होगी, अब जो प्रैक्टिस थी वो हो गई, ठीक है? तो सादिया हमारे साथ आ गई है, सादिया इनका आज गेम को स्टार्ट करेंगी, इस वाले गेम को। तो सादिया ओवर टू सादिया। चलो काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 स्टार्ट। जल्दी 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 करो जल्दी। तो बहुत ही बढ़िया, बच्चों ने अपना कमाल दिखा दिया है दोनों का, बहुत ही ज्यादा मुझे लग रहा है टक्कर कर रही होगी एकदम बिल्कुल। तो सबसे पहले हम हुमैरा का काउंट कर लेते हैं, तो सादिया हुमैरा का काउंट कर लो फर्स्ट, जल्दी जल्दी करना। देखो हमारे की काउंटिंग स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और अंशु किया, अंशरा अंशरा क्या रहेगा तुम्हारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 अरे भैया इनका सुबह से जब से टाई टाई हो रहा है, दोनों का टाई हो गया, तो दोनों के लिए बनता है बड़ा वाला सल्यूट। तो फर्स्ट राउंड हमारा हो चुका है टाई, हमारे पास बचे हैं अभी 2 राउंड इस गेम के, तो अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो जल्दी से सेकंड राउंड शुरू करते हैं, बच्चों तैयार हो? जी। ओके बच्चों राउंड भी स्टार्ट हो चुका है, 1 2 3 गो। तो सेकंड राउंड भी हमारा खत्म हो चुका है, अब बारी है काउंट करने की, देखते हैं क्या है। मुझे थोड़ा बहुत लड़ना नहीं है कुछ हमारी नहीं करनी है, ये यार इनका अलग ही चल रहा है, बच्चों को लड़ने लगे थे फौरन। तो हम हुमैरा के काउंट करते हैं कि हुमैरा का कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हुए हैं हुमैरा के और अब देखना है हमें अंशरा का। तो अब हम करते हैं अंशरा का काउंट, देखते हैं अंशरा का काउंट कितना निकलेगा, जल्दी से काउंट कर लो। 3 3 6 6 6 7 8 9 10 11। तो 11 है, तो सीधे सीधे जीतती है हमारी हुमैरा। हुमैरा गिव मी हाई फाइव, बहुत बढ़िया। अंशरा तुम तो लूज हो गई, कोई बात नहीं, एक राउंड अभी और बचा है, सादिया भी एक राउंड और बचा है जो इनको जीतना है। तो तुम्हें अगर कॉम्पिटिशन देना है तो तुम्हें जीतना पड़ेगा हुमैरा से, ठीक है?
तो अब कंपटीशन बढ़ गया बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। पहले हमने एक्स्ट्रा एक गिलास रखा था यहाँ पे, अब इन लोगों ने रख दिए तीन तीन गिलास, क्योंकि इन लोगों की प्रैक्टिस हो गई एकदम बहुत ज्यादा टफ, यानी बहुत अच्छी हुई, टफ नहीं बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रैक्टिस कर ली है, ज्यादा से ज्यादा ये लोग फिल कर रहे हैं। तो बिना देरी के हम करते हैं शुरू तीसरा राउंड नंबर थ्री। तो फाइनली तीसरा राउंड भी हमारा हो चुका है पूरा, और मुझे तो थोड़ा एक तरफा सा लग रहा है, ओमेरा की साइड में मुझे ज्यादा लग रही है देखने के, लेकिन हम फिर भी चेक करते हैं। सारी यही करेंगी फाइनल काउंटिंग, देखते हैं सबसे पहले ओमेरा का कितनी है। सारी बॉल फिनिश हो चुकी है ओमेरा की, अभी अंशु की चार बची है, टू ये हो गई, ओके, और अंशरा के 14 भैया, मेरा की 14 हो गई। चलो अब देखते हैं अंशरा का काउंट, काउंट करो जल्दी से, 4 8 9 12, और अंशरा के हैं 12, और फाइनली अंशरा ये भी राउंड हार गई है। तो बहुत ही जबरदस्त टक्कर के बाद, लास्ट राउंड इतना जबरदस्त टक्कर नहीं थी लेकिन फिर भी जीती है हमारी ओमेरा। तो बनता है एक बड़ा वाला सल्यूट। तो सीन हमारे गेम पूरे हो चुके हैं जिसमें दो गेम जीती है ओमेरा और एक गेम जीती है अंशु, बट अब बचता है हमारे पास लास्ट गेम जो होने वाला है बहुत ज्यादा जबरदस्त। तुम लोग थोड़ा सा रेस्ट करो, देन उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं अपने नेक्स्ट गेम के लिए, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो अब सेटअप लग चुका है हमारा, बाहर बाहर होगा, यहाँ पर गेम की प्रिपरेशन चल रही है। सादिया, अंजू और ओमेरा कर रही है अभी प्रिपरेशन नई गेम की, देखते हैं क्या कर रहे हैं भैया ये अभी प्लान। सेटअप हो चुका है हमारे नए गेम का बिल्कुल रेडी, बीच में लिखा है MM फॉर म्यूटेंट इंसान, तो कुछ नहीं। तो हमारे अब सबसे पहले बच्चों जल्दी से गेम समझ लो, ये यहाँ पर हमारी जो यानी टूथपिक यानी निडल सी जो खड़ी हुई दिखाई दे रही है, और ये हमारे पास स्ट्रॉ, इस स्ट्रॉ को हमें इस निडल के अंदर डालना है एक मिनट के अंदर, जो सबसे ज़्यादा डालेगा या जितनी आपके पास स्ट्रॉ है उनको जो पहले कंप्लीट कर लेगा वो जीतेगा, या वन मिनट के अंदर जो अपने सबसे ज्यादा डालेगा ऑब्वियसली वही जीतेगा। ठीक है, तो गेम समझ गए हो तुम लोग, तो शुरू करें हम इस नए गेम को फिर से दोबारा। ओके, लेट्स हैव सम फन। राउंड वन हो चुका है हमारा कंप्लीट, और ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा क्लोज कॉल थी ये हमारे इस राउंड की, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से तो पता नहीं, लेकिन मैं सादिया से पूछूंगा कि जीता कौन है तुम्हारे हिसाब से, कौन कौन होता है, क्योंकि मैं तो उसमें वीडियो देख रहा था। हुमैरा ने हाथ पहले उठाया, तो बिना किसी हम किसी डाउट के हुमैरा को इस राउंड में विजयी प्राप्ति देते हैं। तो हुमैरा गिव मी हाई फाइव, और अंशु भी मुझे हाई फाइव दीजिए, अंशु ने भी काफी बढ़िया एफर्ट किया था, गजब बेइज्जती है। अब हम शुरू करेंगे राउंड नंबर टू, और इसके लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है राउंड नंबर टू, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो दोनों तैयार हो तुम दोनों? हैं? ठीक है, करते हम इसको स्टार्ट। तो राउंड टू हमारा हो चुका है कंप्लीट, बस इट बस इस राउंड के अंदर हमें क्या हुआ है, गेम हो गया है हमारा टाई, यानी ये वाला राउंड हो चुका है हमारा टाई, दोनों ने बिल्कुल सेम टाइमिंग पे कंप्लीट किया था। तो अब हम जाएंगे तीसरे राउंड की तरफ जो होने वाला है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, क्योंकि यही है फाइनल राउंड, जो जिताएगा जो जीतेगा वही सिकंदर। तो शुरू करते हैं हम तीसरा राउंड। तो फाइनली हमारा तीसरा राउंड हो चुका है कदम, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहा था, और एंड ऑफ द गेम जीती है अंशरा, ये वाला राउंड बहुत जल्दी उसने कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि ये दो तीन बार इन लोगों ने प्रैक्टिस करी, उसके बाद फाइनली अंशरा ही जीती है। तो अंशरा गिव मी हाई फाइव, बहुत बढ़िया रहा मेरा, दोनों ने बहुत ही शानदार एफर्ट किए थे, और सानिया भी साथ में खड़ी रही थी इनके सपोर्ट करने के लिए, तो बहुत ही बढ़िया रहा। लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट ये रहा कि चार गेम आज हमने पूरे दिन में खेले, चार गेम हमने खेले जिसमें से दो मेरा ने और दो अंशु ने जीते हैं। तो ये आज का डे हमारा गेम का होता है टाई, तो दोनों बिल्कुल इक्वल ही जाते हैं, बहुत ज्यादा मजा आया, एकदम फुल ऑन एंजॉय।
तो गेम हो बच्चों का और बच्चों को कुछ उसमें गिफ्ट ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। तो अंशु की मॉम लेकर आई है दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि गेम हुआ टाइम, हमने जिसको फर्स्ट मिलना था उसके लिए गेम किया था और जिसको सेकंड था उसके लिए भी किया था, लेकिन दोनों रहे बराबर। तो हम इनको देते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट जो इनको पता ही नहीं है कि उन्हें क्या है। तो देंगी सादिया, ओवर टू सादिया, क्या देना भैया, दे दो बच्चों को गिफ्ट, जल्दी से खत्म करो। बहुत बढ़िया, दोनों को बहुत बढ़िया सा गिफ्ट मिला है, थैंक यू बोलो जल्दी से। हाँ तो गेम हो चुका है हमारा पूरा बच्चों, तो हमारा तुम घजा रही हो, चलो ठीक है मिलते हैं कल, जल्दी से आ जाना ठीक है, कल भी हमारा नया गेम का दिन होने वाला है अंशु। तो गिफ्ट अच्छा लग रहा है तो घर पे जाके खोलना, यहाँ मत खोलना कोई भी, वरना मैं ले लूंगा तुम लोगों से ठीक है। तो चलो बाय, टाटा 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 टाटा, तुम मत जाओ, तुम घर जाओगी, मेरे जा रही है ठीक है बाय। तो गाइस रात के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 9 और हमारा आज पूरा दिन फुल ऑन गेम से एकदम फुल ऑन एंटरटेनिंग रहा। अंशु ने तो अपना गिफ्ट पैक खोल भी लिया है और इधर सादिया ट्राई कर रही है, जो बच्चे कर चुके हैं ट्राई, वो वाला बहुत अवेयर ही हो नहीं पाएगा, गजब बेइज्जती है। तो आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई है, तो गाइस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।